मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जिसमें शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक और भी जितने बड़े नाम हैं, मोहम्मद यूसुफ, इन सबको बुलाकर एक कहा जाए कि भाई आप एक टीम बनाएं, जो उनसे मर्जी क्रिकेटर्स उस टीम के अंदर शामिल करें, 15 रुकनी एक टीम बनाएं, जो दिल करता है आपको इमाद वसीम डालें, मोहम्मद आमिर, जिनका भी आपका दिल करता है वो सब शामिल करें और एक 15 रुकनी टीम बनाएं और फिर इस इंडिया टीम के साथ आप 5 मैचेस करवाएं। मैं लिख के देता हूं, आप एक मैच भी नहीं जीतेंगे। चलिए अब इंडिया को छोड़े, अभी पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाने और टेस्ट सीरीज खेलनी है, 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं, इन्हें कहीं एक टीम बनाएं और उस टीम के साथ ये सब एक्सपर्ट भी चले जाएं और बता दें, कप्तान को बताएं, जो भी इनका दिल करता है कि फलां कप्तान हो वो कप्तान बनाएं और उनको बताएं कि ये मैच सीरीज आपने खेलनी कैसे है, जो टीवी पे बताते हैं वहां पे एज ए कोच बन के जाएं और बताएं कि ये कैसे खेलनी है सीरीज। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि आप सीरीज जीत के आएँ, ये ज्यादती होगी मेरा कहना, आप एक टेस्ट मैच जीत के दिखा दें, एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीत के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा। ये दावा करने का मकसद क्या है? मेरा दावा करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा कि हम अफगानिस्तान से हार कैसे गए, हम हार ही नहीं सकते हैं, हम में बहुत गलत हुआ, हम तब हारे हैं, ये पाकिस्तान कहाँ अफगानिस्तान कहाँ पाकिस्तान, ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है, पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट को हजम नहीं हो रही है। ये वही एक्सपर्ट हैं जो मैंने पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की बात की ना, आपने ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोई सीरीज नहीं जीती है, ये जितने एक्सपर्ट बैठे हैं टीवी में जो बता रहे हैं कि आपको यूँ खेलना चाहिए, वो खेलना चाहिए, ये सब होके आ चुके होंगे, किसी ने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं जीती है, पाकिस्तान के पूरे रैकेट में नहीं है कि हमने टेस्ट सीरीज जीती है। इंडिया ने अब 2018-2020 में देख लें, दो टेस्ट सीरीज वहाँ से जीती हैं, तो ये फ़र्क है बहुत बड़ा। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना तो आपका ख्वाब होगा शायद, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर हरा के पिछले साल आपको चला गया हुआ टेस्ट सीरीज। सो बैक टू द पॉइंट कि पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा कि यार हम अफगानिस्तान जो है ना हमसे कैसे जीत गया है। ये जो कोचेस बैठे हैं ना एक्सपर्ट बन के बैठे हैं, आप इन्हीं की अपनी परफॉर्मेंस देख लें, वसीम अकरम साहब पाकिस्तान में सबसे बड़े नाम माने जाते हैं और कराची किंग्स को लगातार 2 PSL के अंदर पूरी तरह पिट रही है और उनके वो सब कुछ हैं उस कराची किंग के, ठीक है, उनकी टीम उठा के देख लें आपको उसमें कई फ्लॉ नजर आएंगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी क्रिकेट सेंस अच्छी नहीं है, ये नहीं है, मैं कहने का मतलब ये है कि भाई हार हो जाती है, प्रॉब्लम इज दिस। आप 2003 देख लें, 2007 देख लें, आप 1999 देख लें, आप बांग्लादेश से हारे, आप आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हम टेस्ट मैच हारे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर हारे हुए हैं, तो ये अगेन इन जो तीन टीमें मैंने को गिनाई है, मैं अफगानिस्तान को वहाँ नहीं लिख रहा हूँ कि ये भी उस कैटेगरी में आते हैं, मैं अफगानिस्तान को एशिया की एक तगड़ी टीम के कैटेगरी में काउंट करता हूँ। आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान ने आउट ऑफ द सिलेबस आके आपको हरा दिया, ये मच एक्सपेक्टेड था। आप अफगानिस्तान के साथ दोबारा 3 मैचेस की सीरीज खेल लें, जिन क्रिकेटर्स के मैंने नाम लिए हैं, आप इन्हें कहीं आप टीम बना लें, आप कोच बन जाएं और दावे से कहें कि आपको अफगानिस्तान नहीं हरा सकता, तो मैं मान जाऊंगा, फिर आपको अफगानिस्तान हरा सकता है। वो इसलिए हरा सकता है कि 2019 में भी आपके साथ क्लोज फाइट की अफगानिस्तान ने, 2021 T20 वर्ल्ड कप में आपके साथ क्लोज फाइट की, हम्बन टूटा में अपनी 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली, पहला मैच आपके हाथ से जा चुका हुआ था, नसीम शाह बिल्कुल ऐसे बीच में से आकर वो मैच को साइड पे लेके गए हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। अफगानिस्तान ने 4 बार आपको नाके चने चबाए हैं और फिर जाकर आज मतलब एक मैच वो जीते हैं, तो पहली बात है हल्का मत ने, इंग्लैंड की टीम हल्की नहीं, आपसे ज़्यादा तगड़ी है, वो हारी है। भाई कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान क्रिकेट ने प्रोग्रेस की है, आपकी क्रिकेट ने प्रोग्रेस नहीं की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसका हल क्या, आप कहेंगे कि आप उसको भी बुरा बोल रहे हो, उसका भी बुरा बोल रहे हो, इसका हल क्या है? इसका हल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान ने अब इस साल में लगातार 3-4 अपनी ए टीम की सीरीज़ खेली है, एशिया कप खेला है, एशियन गेम्स खेली है, इमर्जिंग एशिया कप खेला है, हमारी टीम जिम्बाब्वे गई, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया गई है। इन 3-4 जो हैं इनमें 5 कप्तान थे, इमरान भट्ट एक बार कप्तान बने, फिर हुआनी हुसैन तल्लत कप्तान बने और रहील नज़ीर कप्तान बने, मोहम्मद हारिस कप्तान बने, यानी हर एक में डिफरेंट, तो साफ है कि आप किसी कैप्टन को तो ग्रूम ही नहीं कर रहे, आपका विजन ही नहीं है। जो एक टीम में कप्तान होता है दूसरी टीम में वो जगह ही नहीं होती। रोहेल नज़ीर जिनको PSL के अंदर कोई T20 नहीं खिलाता, आपने उसको T20 का कप्तान बना दिया और जहां वो सूट करते हैं कि 50 ओवर की क्रिकेट वो बहुत अच्छी खेल सकते हैं और मुझे लगता है कि शायद अल्टरनेट विकेट कीपर वो बेहतर हो सकते हैं, आप उनको वहां पे नहीं खिलाते हैं। आपने एशिया इमर्जिंग कप खेला, वहां पे आपको रोहेल नज़ीर नहीं थे, वहां पे मोहम्मद हारिस थे जो कि T20 स्पेशलिस्ट हैं और उनको T20 टीम में होना चाहिए। यही गलतियां थोड़ी सी हुई हैं कि आप निचले लेवल से आपको ग्रूमिंग नहीं हो पा रही है और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को भारत के लेवल पर पहुंचने को 5-10 साल और लगेंगे। ये नहीं है कि आज आप फलां क्रिकेटर को निकाल दें, फलां को ले आए तो आप उनके लेवल पे आ जाएंगे, हम उनके लेवल पे शायद उस तरह से नहीं आएंगे। तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता जा रहा है जो आपको अभी शायद उस तरह से फील नहीं हो रहा, बट बींग मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो हम इतना बड़ा गैप आ चुका है कि हम अगर आज से कोशिश करें तो शायद 2-4-5 साल लगेंगे फिर दोबारा हम इंडिया के लेवल पे आएं। अब अभी इंडिया के लेवल पे नहीं है। हाँ, T20 के अंदर कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, वहाँ फ्लूक लग सकता है, आप T20 खेलें, भले किसी भी टीम से खेलें आप जीत सकते हैं,
वो आपका लेवल है। आप 2 वर्षों से ए बी टीमों के साथ खेल रहे हैं, आप किसी तगड़ी टीम के साथ नहीं खेले हैं। आपका लेवल ये था कि जिम्बाब्वे, बांग्लादेश भी खैर थोड़ी तगड़ी टीम है, मैं वो नहीं कह रहा, नीदरलैंड और अफगानिस्तान वगैरह, फिर आप कहेंगे कि मैं वो कह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि सबसे टफ टीम आपको अफगानिस्तान मिली है 2 वर्षों में जो आप खेले हैं। अफगानिस्तान ने आपको T20 सीरीज हराई है, आप ये मत भूलें कि वो कुछ आप उनको छोटी टीम समझ रहे हैं, तगड़ी टीम है और अच्छे प्लेयर हैं। आप प्लेयर बाय प्लेयर देख लें भाई, आप T20 कहीं पे कोई लीग हो रही हो, राशिद खान के बराबर में आपको कौन सा क्रिकेटर जो आ सकता है? गुरबाज आपके ओपनर से तगड़ा है, फजल हक फरूकी उन्होंने खिलाया नहीं अगर वो भी अच्छे बॉलर हैं, नूर अहमद उनके बेंच पे बैठे रहे हैं लेकिन उन जैसा स्पिनर आपके पास होता आप उनको सारा वर्ल्ड कप खिला देते। तो ऑन द होल मुजीब देख लें, मोहम्मद नबी देख लें कितने अच्छे मिडल के बैटर हैं, उनका इंडिविजुअल प्लेयर देख लें, आप अपने देख लें, आपको पता चल जाएगा बाबर या रिजवान वगैरह निकाल के उनकी टीम ज़्यादा तगड़ी है, शहीन निकाल लें आप, बाकी आप दोनों की मिला के एक टीम डालें, आपको अफगानिस्तान के क्रिकेटर ज़्यादा शामिल करेंगे, पाकिस्तान के क्रिकेटर आप उसमें कम शामिल करेंगे। कहने का मतलब है भाई उनकी टीम ऊपर जा चुकी है, आप वहीं पर खड़े हैं, आपने शायद नीचे नहीं गिरे होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल तबाह नहीं हुई है मगर आप ऊपर नहीं आए हैं, बाकी टीमें ऊपर आई हैं, फ़र्क सिंपल ये है। बाकी ये जो टीवी पे सौदा बेच रहे हैं उनको बेचना ही है, इस चीज़ के उनके पैसे मिलते हैं, 1.5 करोड़ रुपए लिए वर्ल्ड कप के लिए तो वो पूरे करने हैं, गो विद द विंड रूल है टीवी का कि आप जैसे पॉलिसी चल रही है आपने वैसे चलाना है, जो लोग मांग रहे हैं आपने देना है, आपने बोलना है बाबर आजम गंदा है, फलां गंदा है, फलां गंदा है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। अब हारिस रऊफ भी आप जो 150 की स्पीड से बॉल करेगा वो भी गंदा, शहीन अफरीदी ईगल था वो अब चिड़िया बन चुका है, तो इस तरह से है ये मामला दोस्तों। इस तरह जब टीम हारती है तो सब बुरा लगता है, कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा, कहने का मतलब है कि ये जो सब नसीहतें दे रहे हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, इन्हें को भाई ये ले आ जाएं, ये ऑस्ट्रेलिया टूर आपके पास है, आप जो दिल करता टीम बनाएं और टीम को कहें कि एक मैच जीत के दिखाएं। दोस्तों ये मेरी राय है, आपका इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है मगर जो आपकी राय है कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।